वेल हेलो एवरीवन, फर्स्टली थैंक्स टू क्लिक ऑन माय वीडियो। तो गाइस, जैसे कि आपने थंबनेल एंड टाइटल पढ़ा होगा, आज हम लोग CSS फेज 3 के बारे में थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए मैंने नीचे टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, आपको जो रेलेवेंट कंटेंट लगता है आप सीधे उस पर जंप कर सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्लीज इस पूरी वीडियो को देखिए, जिससे आपको CSS फेज 3 पूरा अच्छे से समझ आ जाए। एंड गाइस, आपकी और कन्वीनियंस के लिए मैंने एक नीचे PDF का लिंक दिया हुआ है अपनी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग उस PDF को डाउनलोड करिए और उसको स्टडी टेबल पे चिपकाइए। उसमें वो सारी इंपॉर्टेंट डेट्स लिखी हुई है कि कब आप लोगों की ये मेरिट लिस्ट आएगी, कब आप लोगों की करेक्शन विंडो खुलेगी। सो गाइज, ये प्रेस रिलीज हमको इनिशियली ये बताता है कि हम लोगों की एक सिम्युलेटेड मेरिट लिस्ट रिलीज करी जाएगी, जिसके बाद हमको ये पता चल जाएगा कि भाई हमारी ड्यू में एडमिशन हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो आप लोगों को जब सिम्युलेटेड मेरिट लिस्ट रिलीज होगी, उसके बाद 2 दिन का और चांस मिलेगा जहां पे आप अपनी प्रेफरेंसेस को रीऑर्डर कर सकते हैं एंड इवन एड भी कर सकते हैं। जैसे कि आज मुझे लगता है कि यार मुझे नहीं लगता मुझे ड्यू में एडमिशन मिलेगा, तो मुझे इवनिंग कॉलेजेस भी एड करने चाहिए। तो सिम्युलेटेड मेरिट लिस्ट रिलीज होने के बाद आप इवन एड भी कर सकते हैं। तो आप लोग प्लीज ध्यान से अपनी प्रेफरेंसेस भरिए और ट्राई करिए कि मैक्सिमम प्रेफरेंसेस आप भर दीजिए। अगर आपको लगता है कि आप लोगों के 650 से कम मार्क्स है, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप 100+ प्रेफरेंसेस रखें, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आप लोग सेफ रहेंगे कि आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाए। नाउ गाइस, करेक्शन विंडो से रिलेटेड मुझे बहुत क्वेश्चन आ रहे थे कि भाई करेक्शन विंडो कब खुलेगी। तो इस प्रेस रिलीज में बताया गया कि अब आप लोगों की जो करेक्शन विंडो है वो 11th अक्टूबर को खुलेगी, 13 अक्टूबर तक खुलेगी शाम 5 बजे तक। 11th to 13th अक्टूबर शाम 5 बजे तक आप लोगों की करेक्शन विंडो खुलेगी, जहां पे आप इन पर्टिकुलर चीजों को एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, आप इन चीजों को एडिट बिल्कुल नहीं कर सकते। हाँ, जैसे कि अगर आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना भूल गए तो वो आप कर सकते हैं, बाकी इन चीजों को आप बिल्कुल एडिट नहीं कर सकते। नाउ गाइस, मैं आप लोगों को बस एक बार और रिमाइंडर देना चाहता हूं कि जो आप लोगों का CSS फेज 2 पोर्टल है, जिसमें आपको अपनी प्रेफरेंसेस भरनी थी, वो 12th अक्टूबर शाम 5 बजे तक एक्सटेंड हो चुकी है। तो तब तक के लिए आप प्लीज अपनी प्रेफरेंसेस ध्यान से भर लीजिए, अब लेट मत करिएगा, क्योंकि कोई चांस नहीं है कि अब ये जो पोर्टल ही एक्सटेंड हो, क्योंकि अब बहुत ऑलरेडी लेट हो चुका है एंड CSS फेज 3 डेफिनेटली अब जंप किया जाएगा। तो आप अपने प्रेफरेंसेस ध्यान से शाम 5 बजे से पहले पहले भर दीजिएगा। ओके, सो गाइस, आप लोगों की जो सिम्युलेटेड मेरिट लिस्ट है वो 14 अक्टूबर को रिलीज करी जाएगी शाम 5 बजे। और फिर उसके बाद, जैसे मैंने आपको बताया था पहले ही कि सिम्युलेटेड मेरिट लिस्ट रिलीज होने के पास आपके पास 2 दिन का और चांस रहेगा जहां पे आप अपनी प्रेफरेंसेस को रीऑर्डर कर सकते हैं। तो आपके पास प्रेफरेंस रीऑर्डर एंड चेंज करने का चांस रहेगा 16th अक्टूबर शाम 5 बजे तक। तो आप अपने प्रेफरेंसेस को डेफिनेटली रीऑर्डर करिएगा और ट्राई करिए कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रेफरेंसेस भर लीजिए। सो गाइस, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन कि भाई हमारी फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब रिलीज होगी। तो गाइस, आप लोगों की फर्स्ट मेरिट लिस्ट रिलीज करी जाएगी 18 अक्टूबर को शाम 5 बजे। फिर उसके बाद आपके पास चांस रहेगा कि क्या भाई अब इस कॉलेज को मैं एक्सेप्ट करूं भी या ना करूं। तो एक्सेप्टेंस का चांस आपको मिलेगा 19 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से लेके 21 अक्टूबर को शाम 5 बजे तक। अगर आपको अपना मनपसंद कॉलेज मिल गया हो फर्स्ट लिस्ट में, तो डेफिनेटली आप उसको एक्सेप्ट करिए। अगर आपको लगता है कि यार मेरे इतने मार्क्स हैं कि मुझे नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में और बढ़िया कॉलेज मिल सकता है, तो डेफिनेटली यार अभी एक्सेप्ट मत करिएगा, अपग्रेड पे क्लिक करिएगा। जो भी बच्चे एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे, देन उन लोगों को अपना कॉलेजेस जो है वेरीफाई करवाएंगे उनके डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन, जिसका टाइम रहेगा 19 अक्टूबर से 22 अक्टूबर शाम 5 बजे तक। फिर उसके बाद आपको उन कॉलेजेस की एडमिशन फीस की पेमेंट करनी पड़ेगी, जो रहेगा 24 अक्टूबर शाम 5 बजे से पहले पहले आपको पेमेंट कर देनी है। नाउ गाइस, सेकंड मेरिट लिस्ट से रिलेटेड कुछ डिटेल जान लेते हैं। तो गाइस, सेकंड मेरिट लिस्ट रिलीज होने से पहले आप लोगों को ये पता चलेगा कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट के बाद अब कितनी सीट्स वेकेंट हैं। तो इसकी डिटेल आप लोगों को 25 अक्टूबर को मिल जाएगी शाम 5 बजे से पहले पहले। फिर उसके बाद आपको फिर से 2 दिन का टाइम दिया जाएगा अपनी प्रेफरेंसेस को रीऑर्डर करने का, जो रहेगा 27 अक्टूबर से शाम 5 बजे से पहले पहले आपको अपनी प्रेफरेंसेस रीऑर्डर करने का चांस मिलेगा। तब जाके आप लोगों की सेकेंड मेरिट लिस्ट रिलीज करी जाएगी, जो टाइम है आपका 30 अक्टूबर शाम 5 बजे। तो 30 अक्टूबर शाम 5 बजे आप लोगों की सेकेंड मेरिट लिस्ट रिलीज करी जाएगी, एंड देन वापस से वही सेम प्रोसीजर। अगर आपको अपना मनपसंद कॉलेज मिला हो, देन एक्सेप्टेड, अदरवाइज अपग्रेडेड। देन आप लोगों का अगर आपने एक्सेप्ट किया है, तो आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन वेरीफाई करवाने पड़ेंगे, एंड जब आप लोगों को वेरीफाई हो जाएगा, तो आप लोगों को एडमिशन फीस की पेमेंट करनी पड़ेगी, जिसका टाइम है 4th नवंबर शाम 5 बजे से पहले पहले आपको उस कॉलेज की एडमिशन फीस पे कर देनी है। नाउ गाइस, अब आप लोगों की फर्स्ट एंड सेकेंड मेरिट लिस्ट के बाद थर्ड मेरिट लिस्ट भी रिलीज करी जाएगी, जिसमें अगेन वही सेम सारा प्रोसीजर है। आपको डिस्प्ले करा जाएगा कितनी वैकेंट सीट्स अभी बची हैं, तो उसकी पूरी लिस्ट रिलीज कर दी जाएगी 4 नवंबर को शाम 5 बजे। फिर से आपको रीऑर्डरिंग करने का चांस मिलेगा। फिर जाके थर्ड मेन मेरिट लिस्ट रिलीज करी जाएगी 10 नवंबर शाम 5 बजे।
फिर से आप लोगों को एक्सेप्ट वेरीफाई एंड ऑनलाइन एडमिशन फीस पे करने का चांस मिलेगा। आप लोगों को अपनी एडमिशन फीस 15 नवंबर शाम 5 बजे से पहले पहले पे कर देनी है। नाउ गाइज, अब हम बात करने वाले हैं अंतिम चरण की, जो है अब आपका स्पॉट राउंड। जिन भी बच्चों ने आईपीयू का एग्जाम दिया होगा उनको पता होगा कि स्पॉट राउंड काउंसलिंग होता क्या है। तो बेसिकली फर्स्ट सेकंड थर्ड लिस्ट में जिसको बच्चे को एडमिशन नहीं मिला तो अब उनके पास स्पॉट राउंड का ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे वैसे ज्यादातर सीट्स फिल हो जाती है, बट स्टिल अगर थोड़ी बहुत सीट्स रह जाएंगी तो उसकी भी डिटेल आपको दे दी जाएगी 17 नवंबर शाम 5 बजे से पहले पहले। फिर उसके बाद आप लोगों के पास चांस रहेगा कि स्पॉट राउंड में अप्लाई करने का। तो 18 नवंबर सुबह 10 बजे से 19 नवंबर शाम 5 बजे तक आप लोगों को अप्लाई करने का चांस मिलेगा। फिर स्पॉट राउंड की मेरिट लिस्ट रिलीज करी जाएगी 22 नवंबर शाम 5 बजे एंड देन वापस से आप लोगों का सेम प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। जैसे आपको एक्सेप्ट करना है, फिर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे एंड देन आपको अपना एडमिशन फीस पे करनी होगी 26 नवंबर शाम 5 बजे से पहले पहले। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब करिए जिससे आपको ऐसे यूजफुल अपडेट्स मिलती रहें। एंड गाइज, जो मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का, प्लीज उसको डाउनलोड करिए और प्रिंट कर लीजिए जिससे आप कोई भी डेट को मिस ना कर जाएं, तो आप लोगों के लिए वो ठीक रहेगा। एंड गाइज, मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रेफरेंसेस भरिए टू इंक्रीज योर चांस ऑफ गेटिंग एडमिशन। आपकी जो भी क्वेरी है जस्ट कमेंट डाउन, मैं उसको पूरा ट्राई करूंगा आपको हेल्प करने का। All the best and I hope यार सबको एडमिशन मिल जाए फर्स्ट मेरिट लिस्ट में। All the best, thank you.